क्या आपने कभी सुना है कि इंसानों और पक्षियों के बीच कभी जंग हुई हो, यानी लड़ाई हुई हो, और कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जंग हुई हो? और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है? शायद आप बोलेंगे कुछ पार्टिकल्स पानी में तैर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप दंग होने वाले हैं। तो ऐसे ही टेम्पटिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और स्वागत है आपका एक और धमाकेदार फैक्ट्स एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एनिमेटेड कार्टून्स तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे पहला एनिमेटेड कार्टून 1908 में बनाया गया था, जिसका नाम था फैंटास मेजोरी, और ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट एमिली चोल के द्वारा बनाया गया था। तो अब आप उस कार्टून की बहुत ही रेयर क्लिप देखने वाले हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है 1 अप्रैल 1989 को इंग्लैंड के बिलियनियर रिचर्ड ब्रैंसन ने लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए यूएफओ जैसे दिखने वाले हॉट एयर बैलून को हवा में उड़ाया, और इतना ही नहीं, वो खुद एक एलियन के गेटअप में आकर उस हॉट एयर बैलून में बैठे। लेकिन ये अप्रैल फूल इंग्लैंड गवर्नमेंट पर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट उस बैलून को यूएफओ समझकर सारी पुलिस, आर्मी और इंटेलिजेंस फोर्स को अलर्ट करके उसको पकड़ने के आदेश दे दिए, और इसी वजह से ये अप्रैल फूल दुनिया के कुछ चुनिंदा अप्रैल फूल में माना जाता है, जिसने पूरी एक कंट्री को डरा दिया था। फैक्ट नंबर 8, आपने 1950-60s के सुपरहिट एक्टर देवानंद का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है लोग उनके ब्लैक कोट लुक के इतने ज़्यादा दीवाने थे कि हाई कोर्ट को उन पे बैन लगाना पड़ा था, क्योंकि लड़कियां उनके इस लुक पर बहुत ज़्यादा दीवानी थी और उनसे मिलना चाहती थी। देवानंद के नहीं मिलने पर सुसाइड कर रही थी। जब ये केस बहुत बढ़ गया तब हाई कोर्ट को देवानंद पर ब्लैक कोट पहनने पर बैन लगाना पड़ा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है 1600 के आसपास मिली आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे आइसक्रीम की सबसे पहली रेसिपी माना जाता है, उसके अनुसार आइसक्रीम के बन जाने के बाद उसको फ्लेवर देने के लिए वेल की पॉटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी ये बात तो साफ है कि जब पहली बार आइसक्रीम बनी होगी तो उसको फ्लेवर देने के लिए वेल की पॉटी का इस्तेमाल किया गया होगा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जब पहला आईफोन लॉन्च किया जा रहा था स्टीव जॉब्स द्वारा, तब पहले आईफोन से पहली कॉल प्रैंक कॉल की गई थी, जो कि स्टारबक्स कंपनी पर करी गई थी। स्टीव ने स्टारबक्स कंपनी को कॉल किया और 4000 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया, और एकदम से रॉन्ग नंबर बोल के फ़ोन कट कर दिया, जिसे देख के वहाँ बैठे लोग हंसने लगे। Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. Bye-bye. Okay. Fact number 5. क्या आपको पता है जापान में हर साल 16 दिसंबर को शुकेस्तु नाम का फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर कोई भी जिंदा इंसान मरने का एक्सपीरियंस करता है। इस फेस्टिवल में जैपनी सिटीजन अपने पसंद के कॉफिन्स को बनवाते हैं, फिर बाद में उन्हें पूरे रीति रिवाजों के साथ उस कॉफिन में लेटा दिया जाता है। उन लोगों का ऐसा मानना है ऐसा करने से उन्हें जीते जी मरने का एक्सपीरियंस हो जाता है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस वीडियो में जो आप ये देख रहे हैं ये कोई पानी में तैरते पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता जीव है, जिसे लीशिया पैसिफिका कहा जाता है। इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, जिस वजह से इसके आसपास के जीव इन्हीं पार्टिकल्स को खाने इसके पास आ जाते हैं और खुद इसका शिकार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, द ग्रेट एमू वॉर, जो कि इंसानों और पक्षियों के बीच लड़ी गई बहुत बड़ी जंग थी। Every last in you.
साल 1932 में ऑस्ट्रेलिया के खेतों में एमू बहुत बड़ी तादाद में फसलों को खराब कर रहे थे। इसे देखकर वहां की सरकार ने सैनिकों को एमू को मारने का आदेश दिया। इसके बाद सैनिक खेतों में तैनात हो गए और एमू को मारने की कोशिश में लग गए। सैनिक बहुत ही कम एमू को मार पाते थे क्योंकि गोली की आवाज़ सुनकर एमू एकदम वहां से भाग खड़े होते थे और खेतों में छिप जाते थे। एमू भी इंसानों जैसी युद्ध नीति अपना रहे थे। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और सैनिकों की हज़ारों कोशिशों के बाद भी वो एमू को ख़त्म नहीं कर पाए और थक हार कर सैनिकों को वहां से हटा दिया गया और इस युद्ध को एमूज ने जीत लिया। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आज के इतिहास के बारे में। फैक्ट नंबर टू, वर्ष 1792 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन न्यूयॉर्क के 24 शेयर ब्रोकर्स ने वॉल स्ट्रीट पर बटनवुड पेड़ के नीचे एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की गैर आधिकारिक शुरुआत कहा जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत 8 मार्च 1817 को हुई थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी माना जाता है। फैक्ट नंबर वन, आज ही के दिन वर्ष 1978 को मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का चुराया हुआ ताबूत खोज लिया गया था। चार्ली चैपलिन की मौत वर्ष 1977 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। उन्हें मरने के बाद जनेवा झील के पास दफनाया गया था, लेकिन दो चोरों ने उनके ताबूत को वहां से खोद कर चुरा लिया था और उसके बदले उनके परिवार से 4 लाख पाउंड की मांग की थी, जिसके बाद महीनों तक खोजने पर पुलिस ने ताबूत को ढूंढ निकाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। नए व्यूअर्स कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही आने वाली और धमाकेदार वीडियोस देखने को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।